रविदास जी के आशीर्वाद के साथ, उनकी वंदन के साथ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि सदगुरु श्री रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। पुष्पांजलि के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, नमन करते हुए, वंदन के साथ 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 हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। देवी सज्जनों, आज बुंदेलखंड की ये भूमि चहक रही है, महक रही है, प्रफुल्लित महसूस कर रही है, क्योंकि कभी जिस धरती पर मध्य युग की धन साधना के लोकनायक गुरु रविदास जी चले थे, इस धरती को उन्होंने चरण स्पर्श किया था, नतमस्तक किया था, आज उन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले इस सदी के महान लोकनायक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके भव्य मंदिर की आधारशिला रखी है, उसका भूमि पूजन किया है। और इसका भूमि पूजन कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल संत रविदास जी को भव्य श्रद्धांजलि दी है, पर इसके साथ साथ भारत के मानचित्र पर सागर के बरतूमा को पवित्र पावन भूमि के रूप में सुशोभित किया है। तो आइए एक बार पुनः इस सम्मान और सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी से, कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें उन्हें पुष्पगुट भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यह सौगात देने का। और अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से, बुंदेलखंड के सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करें पुष्प गुट भेंट कर। और साथ साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी मंदिर और कला संग्रहालय का मॉडल वे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। अभी अभी जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया। हम सभी बुंदेलवासियों को एक सौगात, एक भेंट दी हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि रविदास जी को मान सम्मान, भव्य श्रद्धांजलि। और अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि संत रविदास जी की एक पुस्तक प्रधानमंत्री जी को भेंट करें, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। माननीय प्रधानमंत्री जी को अब संत रविदास जी पर पुस्तक भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, संत रविदास की जीवनी एवं पदावली। सभी संत रविदास जी के भक्तों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, लाखों अनुयायियों की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करते हैं। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण और नेतृत्व ने लगातार हमारे समाज में, मध्य प्रदेश में, एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं को लागू किया है। तो आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं उनके स्वागत संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। संत श्रोमणि रविदास महाराज की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की धरती पर संत रविदास जी के मंदिर स्मारक के लिए भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण, वीरेंद्र कुमार जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सहयोगी मंत्रीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, हम बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाए। जितनी भीड़ अंदर है उससे ज्यादा भीड़ बाहरों पर, बाहर सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा हुआ है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन के सागर में, बरतुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलही सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और वैक्सीन कोविड में बना के, वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों की, 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। विकास के अनेकों काम, आज भी रेल लाइन का दोहरीकरण, 2,500 करोड़ की सड़कें, लेकिन और मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे रहा हूं, इसका लोकार्पण तो आज होगा लेकिन बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल्स, बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर 50,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। मैं मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के अभिनंदन करें।
इसी बुंदेलखंड की धरा पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड की धरती पंजाब और हरियाणा को मात करेगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। और कल संसद में जो हुआ वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं और उनमें से एक अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। एक नए भारत का उदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए कि बुंदेलखंड का यह आखिरी कार्यक्रम नहीं है। बीना रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जब उसका शुभारंभ होगा तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, ताली बजा के आह्वान कीजिए। कैन बेतवा के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी पधारे और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, एक बार फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर ही रह दासा। संत श्रोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जल्दी ये भव्य मंदिर हमें मिलेगा जो बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा और उनकी कृपा हम पर बरसेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान, जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम भी मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश, एक प्रगतिशील समाज का हम निर्माण कर सकेंगे। देवी सज्जनों, अपने नेतृत्व के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के पुनर्जागरण को बराबर देने के साथ साथ देश को आधुनिक और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाने में भी अथक प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम एक उच्च सिद्धांतों वाला प्रगतिशील भारत का निर्माण कर सकें। और इसी दिशा में आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत के 47 किलोमीटर के मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया पैकेज 1-4 लेन तथा हिनौतिया मेलुआ पैकेज 2 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ आज बीना वासियों को भी एक सौगात मिल रही है, बीना से कोटा के मध्य रेल मार्ग का दोहरीकरण। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस ट्रैक डबलिंग का लोकार्पण करें और इसके साथ साथ सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और मॉडर्न कनेक्टिविटी को बढ़ावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से विकास की ये यात्रा दिन रात जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी
तेज विकास, तेजी से विकसित होने की ओर कदम बढ़ा रहे भारत की इस यात्रा का मध्य प्रदेश भी अहम भागीदार है, जहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 3 रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है 288 किलोमीटर बीना से कोटा रेल लाइन डबलिंग का कार्य। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति तीव्र गति से होगी और लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही शिलान्यास हो रहा है 4 लेन मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया खंड सड़क के निर्माण कार्य का। इससे राजधानी भोपाल से सागर तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगी और यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। हिनोतिया महलुआ सड़क खंड के 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है, जिससे भोपाल से अशोक नगर, चंदेरी एवं झांसी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा, सहूलियत बढ़ेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों जैसे उदयगिरी गुफाओं वाले मंदिरों, सांची के बौद्ध स्तूप तक पहुंच सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, चंदेरी सिल्क जैसे उद्योग एवं जनजातीय कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृतकाल में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समृद्धि और अनवरत सर्वस्पर्शी सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देवी सज्जनों, इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति मिलेगी, प्रगति मिलेगी। देवी सज्जनों, इसे आप एक सुखद संयोग ही कहेंगे कि संत रविदास जी की विचारकी का अनुसरण करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संत रविदास जी की पवित्र पावन जन्मभूमि वाराणसी से सांसद भी हैं और उन्हीं की तरह सुधार और नवप्रवर्तन की भावना को केंद्र में लाते हुए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास किए हैं और इस मंदिर का निर्माण कर इस भूमि की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी लोगों को उनका अधिकार देने, मानव धर्म को स्थापित करने और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का एक पंत प्रधान का सपना, संकल्प और अपने 140 करोड़ के परिवारजन के साथ एक वादा है। तो हृदय की गहराइयों के साथ प्रधानमंत्री जी का पुनः शुक्रिया करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके अमृत वाचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री वीरेंद्र खटीक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी सांसद, अलग अलग स्थानों से पधारे सभी पूज्य संतगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव, आज सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, एक डेढ़ साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और अब आज मैं यहां आप सबके सानिध्य में हूं। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदास जी की उन शिक्षाओं से आएगी जिन्हें आज इस स्मारक की नींव में जोड़ा गया है, गढ़ा गया है। समरसता की भावना से ओतप्रोत 20,000 से ज्यादा गांवों की, 300 से ज्यादा नदियों की मिट्टी आज इस स्मारक का हिस्सा बनी है। एक मुट्ठी मिट्टी के साथ साथ एमपी के लाखों परिवारों ने समरसता भोज के लिए एक एक मुट्ठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो 5 समरसता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धरती पर समागम हुआ है और मैं मानता हूं कि ये समरसता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि यहां से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों,
प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर दो महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत रविदास स्मारक और संग्रहालय की नींव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। अब अगले 25 वर्षों का अमृतकाल हमारे सामने है। अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबक भी लें। एक राष्ट्र के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है। इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराइयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतीय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था, समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उस समय भी रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत रविदास जी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत,
रैदास परादिन सौ कौन करे है प्रीत, यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, रैदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी शिवराज जी ने उसका उल्लेख भी किया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं, आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित,
पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पता चलेगा, बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि मां बच्चा स्वस्थ रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बीमारियों का, संक्रामक रोगों का खतरा होता है। गरीबी के कारण दलित आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है। आज नवजात बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। बच्चों को सभी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगे, ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में 5.5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथियों, आज हम देश के 7 करोड़ भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। कालाजार और दिमागी बुखार का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा दलित, वंचित, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे। इसी तरह अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लोग कहते हैं मोदी कार्ड मिल गया है, 5 लाख रुपए तक अगर कोई बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। साथियों, जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं, और सारा पैसा बिना गारंटी दिया जाता है। साथियों, एससी एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी एसटी समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। 8,000 करोड़ रुपए, ये हमारे एससी एसटी समाज के नौजवानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन
वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 90 वन उत्पाद को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे, हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। घर में सभी जरूरी सुविधाएं हो, इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। इसका परिणाम है कि एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न ही समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई है, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया, मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी।
हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संबोधन ने हमारे समृद्ध इतिहास का संज्ञान लेते हुए न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि हमारे विविध समाज में एकता समावेशिता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। देवी सज्जनों, एक बार हाथ ऊपर कर माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके संदेश के लिए और आपकी प्रेरणा के साथ हम एक न्याय संगत, एक एकजुट समाज और एक प्रगतिशील भारत के निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंचासीन सभी हमारे नेतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, आप सभी तो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां Clutchless manual. It's magic. Presenting the all-new Kia Seltos, the badass reborn. Kia, movement that inspires.